गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, हाउ टू सैनिटाइज योर मोबाइल्स एंड एसेसरी रिलेटेड मोबाइल। टुडे आई शो यू। ओके, आज मैं अभी देख रहा हूँ आज आपको फ़ोन को कैसे क्लीन करना। ये सबसे फ़ोन जो चीज़ है सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया का बोल है, जिसमें बहुत बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं ऑल टाइम। आज जिधर भी जाते हैं, बाहर में जाते हैं, ये फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी का जो मार्केट है, जितना भी जो भी पब्लिक है, जितना भी जो भी फ़ोन यूज़ करते हैं, ईच एंड एवरीबॉडी, ये जो टॉयलेट का जो वो है उससे भी ज़्यादा इसमें वायरस रहता है। तो इसमें मैंने इसको सैनिटाइज कैसे करना है, डिसइंफेक्टेड कैसे करना है, आपको मैं आज शो करूँगा। तो इसमें है, आपको पहले ये वायर है, ये जो चार्ज है वायर है, निकालना पड़ेगा, डिटच करना पड़ेगा फ्रॉम मोबाइल से। निकाले उसके बाद आपको देखिए ये फ़ोन ऐसे है, इसको फिर स्विच ऑफ करना पड़ेगा। स्विच ऑफ करें उसको, नेक्स्ट आता है आपको इसको कवर को ओपन करना। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फ़ोन को कवर ओपन हो रहा है। ओपन करिए, इनसाइड में भी बैक्टीरिया, जर्म या तो कोई वायरस आपको रह सकता है। ओके, दूसरा आपको ये जो है, ये जो सैनिटाइज बोतल है, ये डायरेक्ट इसमें हिट नहीं करना है, स्प्रे नहीं करना है, आपको इनडायरेक्ट लिख जाना पड़ेगा। ओके, मैं शो करता हूँ। दूसरा है, आपको मान के चलिए एक कपड़ा है, एक कपड़ा नहीं है, ये आपको यूज़ करना है दूसरा कपड़ा से, जो कपड़ा आपके पास, जैसे वो चश्मा का जो ऑप्टिकल सेंटर में, जो चश्मा का दुकान में जो मिलता है चश्मा का जो कपड़ा साफ करने के लिए, वही कपड़ा आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब जस्ट फॉर आपको शो के लिए मैं देख रहा हूँ, इधर मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, तो स्प्रे करना पड़ेगा आपको इधर ऐसे 2 टाइम 3 टाइम, उसके बाद आपको रखना है अनदर प्लेस में, उसके बाद इसको आप क्लीन करना पड़ेगा। किया एवरीडे 2 टाइम, इसमें बहुत बैक्टीरिया रहते हैं ऑल टाइम, हम लोग यूज़ करते हैं फ़ोन 2 टाइम। ओके, ये पूरा क्लीन हो गया। फिर आपको इसको कवर को भी क्लीन करना पड़ेगा, कवर को क्लीन किया, जिधर जिधर डॉटी है या जिधर जिधर कॉमन मोबाइल का जो बैक्टीरिया या तो वायरस रहने का जो कॉमन प्लेस है उसको क्लीन कर दिया। हो गया क्लीन। उसके बाद दूसरा, फिर अब मान के चलिए इसमें कैसे क्लीन करना है, जिधर चार्ज लगाते हैं उसमें तो आप, इसमें डस्टर नहीं जाएगा, डस्टर बोले तो कपड़ा एंटर नहीं होगा। इसमें से फिर मैं दूसरा टिप दिखाता हूँ, इसमें आपको जो बड्स में थोड़ा सा आपको सैनिटाइज मारना पड़ेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, सैनिटाइज मारने के बाद फिर आपको इसको बड़े से क्लीन करना है इस तरफ से, जो भी हो, आईफोन का ज़्यादा इधर स्पीकर रहता है, जिधर जिधर स्पीकर है उधर भी क्लीन करना है। ये पूरा नेट एंड क्लीन हुआ, जिधर जिधर वो है ऐसे क्लीन करना पड़ेगा। ये बैक्टीरिया पूरा डिटच हो गया अभी। ओके, मैं दूसरा और फिर दिखाता हूँ। ज़्यादा अधिकतर लोग पब्लिक लोग यूज़ करते हैं हेडफोन ऑल्सो क्लीन, इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। जिधर सैनिटाइज मारे थे डस्टर में, डस्टर से क्लीन करना पड़ेगा पूरा, जिधर जिधर आप यूज़ करते हैं पूरा यूज़ ऑल टाइम आपको इस यूज़ करते हैं ना, किधर किधर से टच करते फिर कान में डालते हैं। उसके बाद ये जो फ़ोन है आप 2 टाइम क्लीन नहीं किए हैं या तो 1 टाइम क्लीन नहीं किए पर डे, आपको किधर भी बैटरी आया कुछ भी हुआ जो भी ऑब्जर्व किया फ़ोन में, तो आपको क्या है? एक ऐसे करते हैं ना, फ़ोन डायरेक्ट क्या आपको माउथ में जाता है, वायरस इंटर हो जाता है माउथ। अब जो कोरोना वायरस है वो डायरेक्ट आपको माउथ से या नोज से इंटर होता है। हर चीज़ का आप तो हैंड सैनिटाइज करते हैं ऑलवेज, इसका भी थोड़ा ये भी यूज़ करते हैं, ये तो कॉमन है, इसको भी
सैनिटाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद दूसरा है, मैं देखाता हूँ कि बड्स क्या है, ब्लूटूथ बड्स, इसको भी आप निकालते हैं हर बार, हर बार बार में जाते हैं यूज़ करते हैं कान में, ऐसे करके यूज़ करते हैं। इसको भी सैनिटाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे मैं देखा था स्प्रे किया, फिर इसको बॉट्स को भी सैनिटाइज करना बहुत जरूरी, बार बार, क्योंकि ये बार बार हार्ड टच करते हैं, बार बार आपको हार्ड टच करते हैं, किधर रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं, इंटर हो जाते हैं। यही मेरा थोड़ा ट्रिक्स था, आपका शायद हेल्पफुल रहेगा ये जो मेरा ट्रिक्स। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। बाय।